हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बार मिले हैं आईटी जेई फिजिक्स पढ़ने के लिए। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं एचसी वर्मा जो बुक है आपकी द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। दोस्तों मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से मैं बताऊंगा कि एचसी वर्मा अगर आपने नहीं लिया है तो इसको जरूर से ले लीजिए, क्योंकि एचसी वर्मा बहुत अच्छी बुक है। अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एआईपीएमटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरमीडिएट में हो, किसी भी लेवल पे हो, आप अगर एचसी वर्मा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हो तो आपकी फिजिक्स तगड़ी हो जानी है, नो डाउट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग होता क्या है कि दोस्तों काफी टफ क्वेश्चन हैं इसके, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चन को में से कुछ तो आप लगा लोगे, ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत मन से बहुत ढंग से पढ़ाई करो तो आप लगा लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं लग पाते, जो आपको कंफ्यूज हो सकते हो, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, डाउट हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट पे। चैप्टर फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसमें डायमेंशनल एनालिसिस के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो पार्ट वन में हम लोगों ने क्वेश्चन 1-5 देखा, उसके सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 6-10 तक। ठीक है, तो जरूर से देख लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप और भी मेरे कोर्सेज देखना चाहते हो, 250 लेसन ऑलरेडी जो मेरे अपलोड हो चुके हैं वो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, तो इनका लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मुझे यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, और मेरा नाम कुमार केतन है ना, तो इससे आप ढूंढ लो, मैं मिल जाऊंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं दोस्तों आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जेई के लिए, और अभी तक मैंने बहुत सारे लेसन, बहुत सारे कोर्स यहाँ पे बना दिए हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगवाए हैं मैंने बहुत सारे, कुछ एडवांस और मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो वो सारी चीजें आप देख लो। और कई जैसे यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, डायमेंशन चल रहा है, वहां पे इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो आप अगर यहाँ पे तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है, तो आप जरूर से जाना। और संडे को टेस्ट होगा आपका, हर संडे टेस्ट होता है, तो उसकी जानकारी आपको कम्युनिटी पोस्ट से मिलेगी, तो कंटिन्यू कम्युनिटी पोस्ट के साथ देख लीजिए। पर डे मैं पोस्ट करता हूँ, पर डे बताता हूँ कि कौन सा आपको टेस्ट इस बार देना है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मुझसे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हो, स्पेशली टेलीग्राम या फिर फेसबुक, ताकि पीडीएफ पेपर ये सब अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इसके थ्रू आपको दे सकूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, 3-5 क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, अपना बुक खोलो, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, देखिए आपके क्वेश्चंस हैं, और अगर बुक नहीं है तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बुक बहुत काम का है, तो आपको ले ही लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, और हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपकी सी है, इसका पूछ रहा है, और यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है। फॉर्मूला देने की बस यही वजह होती है, क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे होते हो ना, तो बेसिकली एक तरीके से समझो ये है आपका क्लास 11th की चीज है ना, और क्लास 11th में आपको इतनी सारी चीजें नहीं पता होंगी, आपको गैस इक्वेशन नहीं पता होगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं पता होगा, आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में नहीं पता होगा, तो ये सारी चीजें जो है आपकी, ये आपको आगे मिलेंगी, इसीलिए फॉर्मूला दे दिया जाता है, ताकि आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायमेंशन फाइंड आउट कर पाओ। चलो सी निकालते हैं, तो इस फॉर्म ये फॉर्मूले में पहले सी निकालो, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में एम टाइम्स टी टू माइनस टी वन, ये होगा। फटाफट जो डायमेंशन लिखते हैं, तो क्यू क्या है, क्यू हीट होती है, और हीट मतलब हीट का डायमेंशन जो है वो वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा, वर्क का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होगा, ये सारे डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, या इसका डायमेंशन टॉर्क के डायमेंशन के इक्वल भी होता है, तो ये सब, तो वर्क का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, वो है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक, अगर आपको नहीं याद है तो आप कैसे निकालोगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालो, फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू इंटू में एल का, एल हो जाएगा डी का, फोर्स भी नहीं याद है तो फोर्स का वापस निकालो एम इन टू ए से, एम का तो एम होता ही है, ए का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर और अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो एम एल टी माइनस टू फोर्स का इंटू में डिस्प्लेसमेंट बन जाइए, नीचे एम है मास तो एम लिख दो, और टी टू माइनस टी वन एक टाइप का डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब केल्विन, एम से एम कैंसिल, बचा एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, तो ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, सी का, कि एम जीरो एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है तब तो आपका काम हो जाना है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहां से अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी इसका, आप इसमें क्या कर दो, कैसे इसको सॉल्व किया जाए,
चाहो तो इसको तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको भेज दो अकाउंट में, या फिर इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल आपकी जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू आपकी आएगी एल टी माइनस एल नॉट अपॉन में, ये आपका आता है एल नॉट टी टू माइनस टी वन करके कुछ आता है, ठीक है। आप देखना इसको सॉल्व करना, ये किया क्या, एल नॉट का इसमें मल्टीप्लाई, तो एल नॉट उधर भेज दिया तो माइनस एल नॉट, और फिर आपका ये एल नॉट का इसमें होगा तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये लेंथ है, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ का आपका एल होता है डायमेंशन, और नीचे भी क्या है, लेंथ है और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब केल्विन, लेंथ से लेंथ कैंसिल, क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स इसका डायमेंशन हो गया। अब आर, आर है तो आर की वैल्यू देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन में एनटी, ठीक है। अब प्रेशर, प्रेशर का आप निकालो फोर्स अपॉन एरिया से, फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया मतलब एल टू होगा ना, फोर्स का एम एल टी माइनस टू अभी बताया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब एल टू, तो एल टू को ऊपर ले जाओ तो फोर्स, प्रेशर को क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्लियर है ये माइनस है, तो ये हो गया। अच्छा इसको एक तरफ रख दो, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो एल थ्री, एन का मोल होता है, मोल का तो मोल होता है, और टी का केल्विन होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या हो गया, एम एल माइनस वन एल टू, एल टू एल थ्री है, और टी माइनस टू, ठीक है, मोल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये आपका पूरा डायमेंशन आएगा किसका, आर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ को आप मतलब फोर्स लेंथ और टाइम तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लो, उसके बाद आपको सॉल्व करना है डेंसिटी प्रेशर मोमेंटम और एनर्जी। तो डेंसिटी पहले बात करते हैं, तो डेंसिटी अगर हम लोग दिखाते हैं, मान लो रो से दिखा देते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में क्या होता है बताओ, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को किससे दिखाते हैं, वी से, ठीक है। तो मास जो है वो हम लोग को क्या करना है, मास का तो कितना होगा डायमेंशन, एम होगा, वॉल्यूम लेंथ से करो तो लेंथ क्यूब, तो एल माइनस थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब बात आती है कि मास तो यहाँ पे दिया नहीं है, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या रखना है, फोर्स रखना है, तो फोर्स के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा। तो मास को फोर्स के टर्म में कैसे बदलेंगे, तो एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक, ये गलती मत करना, m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, f अपॉन में एक्सेलरेशन a और अपॉन में वॉल्यूम। अब सॉल्व करो, तो अब सॉल्व करेंगे तो f का होगा mlt माइनस टू, ठीक है, अपॉन में a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो lt माइनस टू ये होगा, और v, v का कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड, ये क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ना, हाँ ठीक है, एल थ्री हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब एम एल टी माइनस टू को आप सॉल्व करके क्या लिखोगे, एफ लिखोगे सीधा सीधा, एफ होगा ना ये, क्योंकि इसका डायमेंशन आपको ऐसे ही बताना है, और उसके बाद ये एफ हो गया, और बाकी आपको सॉल्व करना होगा, तो बाकी सॉल्व कर लो, एल थ्री और एल वन क्या बनेगा, एल फोर और टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन आया किसका, डेंसिटी का, क्लियर हुआ। प्रेशर पे आते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया को ब्रेक करो तो फोर्स अपॉन में लेंथ स्क्वायर, ये दोनों चला गया, बस यही आपका डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स अपॉन में लेंथ स्क्वायर, क्लियर है। तो ये सिंपल है, मतलब एफ एल माइनस टू ये आपका हो जाएगा डायमेंशन, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ये जो डेंसिटी था एफ एल माइनस फोर टी टू ऐसे लिख सकते हो। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, फटाफट से चेंज करो इसको, ऐसा चेंज करना है, देखो समझा क्या रहा हूँ मैं आपको, आपको इन क्वांटिटीज को ऐसा चेंज करना कि ये फोर्स लेंथ और टाइम में चला जाए। तो मास को हम लोग लिखेंगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, इनटू वेलोसिटी को लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस मिल गया लेंथ में, टाइम मिल गया टाइम में, फोर्स मिल गया फोर्स। अभी ए नहीं है, ए को फिर से तोड़ेंगे, ठीक है, इस बार थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करा दे रहा हूँ। फोर्स अपॉन में ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक, इनटू में एस अपॉन में टी, ठीक है, सॉल्व भी कर देता हूँ। टी ऊपर भेज दो, तो टी एफ इंटू टी इंटू एस अपॉन में वेलोसिटी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, बचेगा एफ इंटू एस अपॉन में वी। अभी आपका फोर्स और लेंथ तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, ये हो जाएगा एफ इंटू में टी, तो आपका एफ टी जो है मतलब कैपिटल एफ और कैपिटल टी, ये हो गया मोमेंटम का आपका डायमेंशन, क्लियर है। तो अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी मतलब कि आप किससे निकालना चाहोगे, एनर्जी को अगर हम लोग वर्क मान के निकालें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्यों, वर्क मान के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डी,
मतलब एफ और एल, बस हो गया सीधा सा आंसर एफ और एल, क्योंकि फंडामेंटल यही दे दिया था ना, तो एफ एल से निकल गया। अगर आप चाहो तो हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, फिर से आपको एम की जगह एफ अपॉन ए रखना होगा, वी की जगह पूरा आपको एस अपॉन टी रखना होगा, फिर सॉल्व करना होगा, फिर ए को तोड़ो, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर है, ये भी ध्यान देना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तब आपका जाके ये आएगा डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सपोज करो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट अ प्लेस इतना है, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मीटर मिनट स्क्वायर, तो मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 10 मीटर, मतलब कि कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड को चेंज कर दो मिनट में, तो कितना होगा, इसको उल्टा करना होगा, ये बड़ी वैल्यू दे दिया, तो आप देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होगा ना, तो 1 सेकंड स्क्वायर में 1/60 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 सेकंड स्क्वायर का आपका ये कितना हो गया 1/3600 मिनट स्क्वायर, क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक, तो 10 मीटर पर सेकंड मतलब या तो इसको कैसे करें, 10 को भी अगर 1 मान लिया जाए तो 1 को 100 लिख सकते हैं, या छोड़ो हो जाएगा, तो 10 के पावर 3 अपॉन में 3600 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या डायमेंशन में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, डायमेंशन में ये अगर क्वेश्चन पूछा है तो हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, लेकिन इसको डायमेंशनली सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मैं फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला होता है n2 इज इक्वल n1, उसके बाद होता है ये फॉर्मूला याद करो m1 अपॉन m2 के पावर a, ठीक है, ये डायमेंशन mlt का, l1 अपॉन l2 के पावर b और t1 अपॉन t2 के पावर c, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब ऐसे वर्मा में ये ऑप्शनल क्वेश्चन तो है नहीं कि आप टिक मार दोगे, आपको ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने को, तो डिराइव करना होगा, तो n2 निकालना है, n1 दिया है 10, n1 ये नंबर होता है। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, m का कुछ है मतलब किलोग्राम ग्राम कुछ है नहीं है ना, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं। l देखो, l का क्या है, मीटर है ना, और मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में करना है, पावर पे आता है, तो मीटर के पावर 1, सेंटीमीटर के पावर 1, तो टोटल पावर 1। टाइम आओ, तो इधर है सेकंड और इधर है मिनट, पावर ध्यान दो, तो यहाँ पे पावर -2, यहाँ भी पावर -2, अपॉन में है 2 मत लिख देना, ठीक है। अब सॉल्व करो, 10 × 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे सेकंड अपॉन 60 सेकंड, पावर -2 लिख सकते हैं, तो 10 × सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, क्या बचा 100 × इसको उल्टा कर दो 1/60 को, तो 60 स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब सॉल्व कर लो, तो 6 × 6 = 36 और 2 × 1 = 3 × 4 = 5, 10^5, ठीक, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये 1/2 था, 1/2 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना था, आपको इस तरीके से, तो n2 आया, तो इसका मतलब 10 m/s² जो है वो इक्वल है 36 × 10^5 सेंटीमीटर पर अपॉन में मिनट स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यह निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर, ठीक है, और एंड दैट ऑफ अ लेपर्ड इज, और लेपर्ड का जो है वो आपका दिया है 70 माइल्स पर आवर, कन्वर्ट दिस स्पीड इन SI यूनिट। अब माइल और आर में दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब SI यूनिट है ना, तो SI यूनिट में क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो इसको समझ लो, कि ये मैं होमवर्क दे दूँ, ये आप होमवर्क करना, वैसे मैं बता देता हूँ लेकिन आप होमवर्क करना, 1 आवर को भी आपको सेकंड में चेंज करना होगा, तो 1 आवर = आप पहले मिनट में चेंज करो, फिर सेकंड में आप देख लेना कितना होता है, ये तो आप कर लोगे। माइल्स का बता देता हूँ, 1 माइल्स में क्या होता है, ठीक है, ये आप देख लो, तो 1 माइल = होता है 1.6 किलोमीटर, किलोमीटर को आपस से मीटर में बदल लेना, वो आपकी जिम्मेदारी, तो 1.6 किलोमीटर होता है। अब आप इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो और इसको कन्वर्ट करो, लेकिन कैसे, डायमेंशन वाले फॉर्मूले से अभी जो मैंने बताया, ठीक है, पहले तो इसको किलोमीटर पर आवर में लिख लेना, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना, आपका आराम से आएगा ये वैल्यू, ठीक, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में लिख करके आप सॉल्व कर दो, या फिर नहीं, उससे तो डायमेंशन निकलेगा ना, क्या फायदा, ऐसा ही यूनिट निकालो, क्योंकि उससे डायमेंशन निकाल के फिर यूनिट में कन्वर्ट करो, उससे अच्छा डायरेक्ट चेंज करो, तो डायरेक्ट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लेसन का, कि द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन अ कलकत्ता लेबोरेटरी, कोई कलकत्ता लेबोरेटरी में रिकॉर्ड किया गया
किसी मरकरी कॉलम में हाइट बैरोमीटर का, तो बैरोमीटर में तो वो आया 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो इसको, इस प्रेशर को SI में और CGS में यूजिंग दी फॉलोइंग डाटा। आपके पास कुछ डेटा दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी दिया है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, स्मॉल जी की वैल्यू दिया है, प्रेशर की वैल्यू होती है एच रो जी, आपको कैलकुलेट करना है ये वैल्यू इसमें SI और CGS में, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फंसाया है, देखो थोड़ा टफ बना के पूछा है, लेकिन है कुछ नहीं, एच रो जी है ना, तो एच की वैल्यू दिया है कितना 75 सेंटीमीटर, तो 75 को मीटर में लिखो क्योंकि हमें SI में चाहिए पर, तो 75 को अगर लिखेंगे तो 75 × 10^-2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर में। और रो की वैल्यू क्या दिया है, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब आपका कितना होगा, आपको ये है, ठीक है, ये डेंसिटी है, और वाटर के कंपैरिजन में इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ दिया है, तो इसको हम लिख देंगे 30.6 × 10^10 क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये दोनों मिला के ये और ये हो गया, और एच रो जी, जी की वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके अपना सॉल्व करना, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो मुझे पता है एक्चुअली ये कितनी वैल्यू आती है, 10^5 के अप्रॉक्स आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, 10^5 के अप्रॉक्स आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका SI में, CGS में बदलना है क्या करेंगे, देखो 1 न्यूटन में होता है 10^5 टाइम ये होता है, और 1 मीटर में होता है 10^2 सेंटीमीटर, पुट करो तो 10^5 वाले से इसको छोड़ दो वैल्यू, 1 न्यूटन में लिख गया 10^5 टाइम अपॉन मीटर में लिख गया 10^2 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर है ना, ये मीटर है, तो क्या बन गया 10^ ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 4, मतलब 10^6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया CGS में, तो ये वैल्यू SI में है, ये वैल्यू CGS में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक। और 5 क्वेश्चन साथ हम लोगों ने पढ़ा, इसी टाइप के आपके और भी ऐसी वर्मा के सॉल्यूशन मिलेंगे, और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे धीरे धीरे करते हुए, और अनअकैडमी पर जरूर जाना क्योंकि वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा बहुत कुछ मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और क्या पढ़ा दिया था मैंने, कोलिजन पढ़ा दिया, सेंटर ऑफ मास पढ़ा दिया, फोर्स पढ़ा दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दिया, सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, मतलब बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने, तो वहाँ पे आप जरूर जाके देखो, सारी चीज़ें तैयारी करो और टेस्ट जरूर देना, ठीक है। तो चलो इस लेसन में इतना ही, जल्दी मिलते हैं ऐसे कुछ और भी अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।